अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज 4 घंटे से लाइट गई हुई थी। मेरे 2-3 काम ऐसे थे जो कि मैंने करने थे, लेकिन लाइट ना होने की वजह से मैं इतना डिस्टर्ब हुई हूँ ना। अभी लाइट आई है तो फिर मैंने सोचा मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। बलाई इकट्ठी हुई हुई थी मेरी काफ़ी दिनों से, तो घी खत्म हो गया हुआ था, अभी मैं मक्खन निकालने लगी हूँ। आपको पता है ना कि घर के काम तो खत्म ही नहीं होते। सियाने कहंदे ने जी, बंदा मुकदा मुक जांदा है पर घर के काम नहीं मुकते। तो ये सिलसिला तो चलता रहता है। सुबह उठते हैं और फिर रात गए तक काम काम खत्म ही नहीं होते, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि माती बज गई है बस। जनाब, भलाई तो मैंने डाल दी है अंदर, अब मैं मशीन लगाने लगी हूँ इसमें। 10 मिनट में इंशाल्लाह मक्खन निकल आएगा। साथ ही मैंने सोचा मैं मशीन चला देती हूँ कपड़े धोने के लिए। मशीन ऊपर रखी हुई है छत पे, ऑटोमेटिक मशीन है। साथ ही ये चला देती हूँ ताकि साथ साथ जो है वो कपड़े भी धुलते रहेंगे और मैं हांडी भी बना लूँगी, सारे काम हो जाएंगे। अभी लाइट आई है तो इसका फ़ायदा लें, फिर ना चली जाए। जी, आज मैं कढ़ी बनाने लगी हूँ। मेरी बेटी का दिल कर रहा था, इसलिए मैंने दही में बेसन डाल के रखा है, इसको मिक्स करके। बैड लक ये हुई आज मेरे साथ के पहले लाइट चली गई, उसके बाद जब मैं हांडी बनाने लगी तो सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया, वो भरवाया। तो अब मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ कुकिंग करने में ना। तो बहुत से तरीके होते हैं कढ़ी बनाने के, सबका अपना अपना डिफरेंट होता है। मैं जो अनियन फ्राई करके तो फिर मैं बनाती हूँ। तो जैसे ही मेरी व्यूअर्स होती है कम्प्लीट ये कढ़ी पकौड़े, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगी। अब मैं चेक करती हूँ मक्खन निकल चुका है या नहीं। हाँ जी, मक्खन तो बन गया हुआ है। अब मैं इसको भी साथ निकाल लूँगी। जैसे ही मेरी कढ़ी चावल बनते हैं तो मैं साथ में आपको मक्खन भी निकाल के दिखाती हूँ। हाँ जी व्यूवर्स, मेरे कढ़ी राइस तो रेडी हो गए हैं। कढ़ी राइस तो रेडी हो गए ने, लेकिन मेरी मत बज गई है, बहुत गर्मी है जी, बहुत। मैं मक्खन भी काट ले आए, मेरा काम अब हो गया खत्म, कपड़े भी धुल गए हैं। मैं जा रही हूँ अब रूम में बच्चों के पास। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखना है आपने और गर्मी से बचना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।